नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से जॉब स्ट्रीम में। दोस्तों आज की नई वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। जो भी कैंडिडेट NCL की तरफ से ये वैकेंसी को अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप 10वीं पास हैं यानी 10th पास हैं या 12th पास हैं, तो दोनों में से कोई भी क्लास अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आप इस वैकेंसी के एलिजिबल हैं। फ्रेशर के लिए भी यहाँ पे मौका है, क्योंकि जो नवसिखू हैं, जो फ्रेशर है जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए ये वैकेंसी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपकी कोई भी पोस्ट में जो है एक्सपीरियंस नहीं मांगी गई है, और ये जो है NCL की तरफ से ये बहुत अच्छी सी वैकेंसी निकाली गई है। ये कोल इंडिया की एक जो है अलग नवरत्न कंपनी है, जो कि आप लोगों को पता होगा ये गवर्नमेंट जो है के अंदर आती है। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि ऑल इंडिया लेवल पे ये कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ना ही इसमें कोई एग्ज़ाम है और ना ही इसमें आपकी एप्लीकेशन फ़ी लगती है। अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए और इस वैकेंसी को अप्लाई कीजिएगा। मैं आगे आपको लेके चलूँगा इसकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर। उससे पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि मेल और फीमेल कोई भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए जो है इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेके चलना चाहूँगा, तो चलिए लेके चलते हैं और सभी जानकारी आपको वहाँ पे देते हैं। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर आप इंग्लिश में देखना चाहेंगे तो आप जो है वह इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। वैसे ये इंग्लिश में है, अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो मैंने इंग्लिश वाले यहाँ पर खोल रखा है। यहाँ पर देख सकते हैं जो NCL के लिए यहाँ पर जो है फ्रेशर के लिए कम अप्रेंटिस स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग जो प्रोग्राम है उसके तरफ से ये वैकेंसी जो निकाली गई है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों देख सकते हैं आप सभी को यहाँ पे अच्छी यहाँ पे जो है वह मौका मिलने वाली है। तो सभी आदमियों को जो है जो भी कैंडिडेट हैं वो अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दिया है, क्योंकि सभी जानकारी आपको यहाँ पे दी गई है। तो मैं आपको बारी बारी से वैसे बता दूंगा कैसे क्या है सभी जानकारी, और प्रॉपर सभी लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पिछले वीडियो की तरह, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। और भी नई वैकेंसियाँ ही है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें भी आपकी ना ही एग्ज़ाम होने वाली ना ही आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी लगती है। तो इसलिए आप लोग जो है ज़रूर उस वैकेंसी के लिए अप्लाई कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए ट्रेड जो है दिया गया है, ठीक है, ये क्या दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे ट्रेड दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे जो है वो दिया गया है नंबर्स, और यहाँ पे जो है एकेडमी क्वालिफिकेशन, आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग की जो है वह कितने घंटे की होगी पर डे और कितने मंथ की होगी, तो ये यहाँ पे जो है कहा गया है। उसके बाद अदर जो है वह कैंडिडेट के लिए जो एज की क्वालिफिकेशन वो यहाँ पर दी गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर जो है देख सकते हैं HEMM के लिए जो मैकेनिक के लिए है, लेकिन आप अगर सिर्फ 12th पास हैं 12वीं पास हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपकी जो है वह कोई जो है एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं मांगी गई है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यानी कि HEMM मैकेनिक के लिए, तो वो यहाँ पर 12th पास होना आवश्यक है और 6 मंथ की उनकी जो है यहाँ पर कोर्स होने वाली है, ठीक है, और उसमें आपकी सैलरी भी अच्छी खासी मिलेगी। और यहाँ पर देख सकते हैं जो भी कैंडिडेट 18 से लेकर 24 वर्ष तक हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज की कैलकुलेशन जो की जाएगी वो 31 अगस्त 2020 से की जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं बता दूँ रिलैक्सेशन आपको जो एज में दी जाएगी वो 5 साल के लिए SC ST वालों के लिए दी जाएगी, ठीक है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं वह 29 वर्ष तक इनका जो है 18 से लेकर 29 वर्ष तक ये अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं OBC वाले के लिए, तो अगर आपको जो है 3 साल की इसमें एज में रिलैक्सेशन मिलेगी, जो कि आपको यहाँ पे जो है वो 27 वर्ष तक अगर आपकी एज होगी तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया तो ये जो है सभी पोस्टों के लिए जो यहाँ पे देख सकते हैं वह 10 से 50 घंटे हैं, यानी कि 6 मंथ की आपकी जो है वह ट्रेनिंग होगी, ठीक है, जो आपको सिखाया जाएगा। लेकिन डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पे 5 मंथ की जो कोर्स है, जो कि 10th पास कोई भी है तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 10th पास वाले एक और जो है वह पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं जो मेन वेल्डर के लिए है, ठीक है, माइन वेल्डर के लिए, यहाँ पे भी आपको 10th पास अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इनका भी कोर्स यहाँ पे 6 महीने का है। तो ये सारी जानकारी आपको मिल गई। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों थोड़ी सी जानकारी जो है पोस्ट के ऊपर लेते हैं, जो किस वैकेंसी के लिए कितनी पोस्ट है। तो यहाँ पे HEMM मैकेनिक के लिए यहाँ पे जो है टोटल जनरल के लिए 61 पोस्ट, यानी कि सभी पोस्टों में देख सकते हैं जितने भी ट्रेड हैं सब में आपको 61 पोस्ट मिलती है। जो मैन इलेक्ट्रॉनिक के लिए, जो माइन यहाँ पे जो है वेल्डर के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 61 पोस्ट है, UR के लिए, इसी तरह 18 पोस्ट जो है वो OBC के लिए है, SC के लिए यहाँ पे 17 पोस्ट सभी में है, ST के लिए भी 24 पोस्ट सभी में। आप लोग देख लिए तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं टोटल जो है यहाँ पे आपको 120 120 120 करके जो है टोटल पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया है, एज की यहाँ पे जो है बात कर ली। अब थोड़ी सी यहाँ पे जो है अदर टर्म एंड कंडीशन के बारे में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, और इसका लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग अगर चेक करना चाहो तो कर सकते हो। और मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं उसका भी जो है जानकारी मैंने दे दिया है,
अब दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात होती है कि आपका जो है इसमें डेट कब से कब तक है। तो 25 अक्टूबर से ये जो है फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है और आप जो है 15 नवंबर तक जो है इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। 15 अक्टूबर से जो शुरू हुई है वह 5 बजे शाम से हुई है और लास्ट डेट जो है 15 नवंबर 2020 की है और लास्ट डेट जो है वह टाइम जो दी गई है वह 5 बजे शाम की है। तो आपको जो टोटल 30 दिनों का समय मिल रहा है अच्छी खासी, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आपको इस वैकेंसी के ऊपर अगर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कतें हो रही है तो आप जो है यहाँ से वह ईमेल करके पता कर सकते हैं, या अप्लाई करने में भी अगर दिक्कत हो रही है तो आप अप्लाई करने में जो है हेल्प ले सकते हैं, या आप फ़ोन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इस पे कॉल करके आप कर सकते हैं। आपको अप्लाई करने के लिए जो है इसी पे जो है वह क्लिक करना है। टिक लगाने के बाद अगर आप सबमिट करोगे तो आपको ऑनलाइन जहाँ से ये पोर्टल आती है वहाँ पे आपको ले जाया जाएगा। दोस्तों मैंने आपको सभी जानकारी जो है NCL की तरफ से जो भी आई है सभी जानकारी मैंने दे दिया है। तो दोस्तों अगर आप लोग एलिजिबल हैं, मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकेंगे, ये सबसे अच्छी बात है। इसमें किसी तरह की आपकी जो है कोई चार्ज नहीं लगती है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमारे इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके लिए हर वक्त जो है एक नई वीडियो आती है जो कि वैकेंसी से रिलेटेड हो और यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये वैकेंसी सभी। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते फिर अगली वीडियो में।